गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज गैलेक्सीज। क्या हमारा आज का टॉपिक गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सी इज अ हज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, स्मोक एंड डस्ट। क्या होती है गैलेक्सी? हज मीन्स लार्ज। लार्ज कलेक्शन होती है किसकी? स्टार्स की, स्मोक एंड डस्ट की। किस किस जिसके अंदर क्या होते हैं? स्टार्स भी होते हैं, स्मोक भी होता है, और क्या होता है? डस्ट भी होता है, ठीक है, और वो भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। व्हेन देर इज़ नो लाइट पोल्यूशन एंड वी लुक अप एट द नाइट स्काई, वी कैन सी अ ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द एंशियंट एज ए रिवर ऑफ मिल्क, दस नेम द मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। कि अगर हमारे जो मतलब इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन ना हो, लाइट के अंदर कोई भी पोल्यूशन ना हो, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? एक ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट हम देख सकते हैं कि ज़्यादा दूर तक देखो मिल्की वे ये आपका, किसमें हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसमें? बैंड्स हम देख सकते हैं कि फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, ठीक है। कि मैक्सिमम अमाउंट में हम क्या शी कर क्या देख सकते हैं? बैंड्स देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज़ वेयर आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ बिलोंग। यहाँ से ही हमारे क्या है, सोलर सिस्टम हमारा, और इसके अंदर अर्थ हमारी यहीं से बिलोंग करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज वॉज नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। किन के शेप्स के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी गैलेक्सीज होती है और उनको हमने उसकी शेप्स के अकॉर्डिंग नेम दिए हुए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इज ए स्पाइरल गैलेक्सी। कैसी शेप की है? स्पाइरल शेप की है, ठीक है। स्पाइरल शेप कौन सी होती है आपके? देखो, इस टाइप से जो शेप होती है ना, ठीक है, तो ये कौन सी है? स्पाइरल शेप गैलेक्सी है ये। इस टाइप से इसमें क्या होती रहती है? इस टाइप से इसमें गैलेक्सी प्रेजेंट है। देखो, इस टाइप से ये दिख रही है आपको कि जैसे आपकी जलेबी होती है ना, इसी टाइप से, इस टाइप से ये आपकी क्या है? स्पाइरल शेप की क्या है आपकी? गैलेक्सी है। इफ़ वन लुक्स डाउन एट द गैलेक्सी, वन वुड सी ए सेंट्रल बल्ज सराउंडिंग बाई फोर लार्ज स्पाइरल आर्म्स दैट रैप अराउंड इट। कि अगर आप कोई मतलब इनको सेंटर से देखे, तो सेंटर में क्या दिखाई देगा? कि एक क्या है? एक शेप है, ठीक है, एक शेप सेंटर में। उसके बाद ये चारों बाकी चार शेप इसके क्या है? सराउंडिंग में रिवॉल्व हुई, कोयल हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है ये? मिल्की वे गैलेक्सी। और ये कब दिखाई देती है? जब पोल्यूशन क्या हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है, लाइट के अंदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तब इसका ये जो दिखाई देती है इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और इसके अंदर क्या होते हैं? सन और अर्थ आपको दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम के अर्थ क्या है इसके अंदर? इसी से हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसी के अंदर। और सोलर सिस्टम में क्या प्रेजेंट? अर्थ भी प्रेजेंट और बाकी सारे अदर प्लैनेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवर सोलर सिस्टम, सॉरी द सोलर सिस्टम। की सोलर सिस्टम है वो क्या होता है? देखो, सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम कंस्टिट्यूट द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स ऑफ दिस प्लैनेट्स एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज एस्ट्रॉइड्स। कि क्या होते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है? सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। और सैटेलाइट्स के अंदर क्या होते हैं? सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है, ठीक है। वैसे इसके अंदर क्या होते हैं? सैटेलाइट्स भी होते हैं, जो क्या होते हैं? बिल्कुल ब्राइटेस्ट बॉडी होती है किसके अंदर? इन्वायरमेंट, सॉरी, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज एस्ट्रॉइड्स, और कुछ अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स। तो देखो, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, की जो किसके सराउंडिंग में? सन के सराउंडिंग में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। कि सन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। सपोज ये क्या हमारा सन है, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में जो प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो देखो, प्लैनेट ऑर्डर फ्रॉम द सन। कि प्लैनेट्स का ऑर्डर कैसे होता है सन से? कि फर्स्ट, सबसे पहले प्लैनेट कौन सा होता है? मरकरी। सेकंड कौन सा होता है? वीनस। थर्ड कौन सा होता है? अर्थ। फोर्थ होता है हमारा मार्स। फिफ्थ होता है जुपिटर। सिक्स्थ होता है हमारा सैटर्न। और सेवन्थ होता है हमारा यूरेनस। और एट्थ होता है हमारा नेपच्यून। देखो, पहले हमारे कंसिडर किए गए थे कि हमारी अर्थ पे कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। क्योंकि हमारा 9th प्लैनेट कौन सा था? प्लूटो, ठीक है। प्लूटो भी हमारा क्या था? एक प्लैनेट था। बट अब उसी को प्लैनेट्स की लिस्ट से क्या कर दिया गया है? आउट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया उसको प्लैनेट की लिस्ट से आउट? बिकॉज वो क्या है, मतलब जो प्लैनेट्स की जो कंडीशंस थी ना, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। कंडीशंस थी जिसको, एक दो कंडीशंस थे जिसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्या कर दिया गया उसको? आउट कर दिया गया। किससे? प्लैनेट्स की लिस्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, सन,
सन क्या आएगा, द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सन हमारा कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, सन, इट्स डायमीटर इज रफली 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ से ये क्या है 109 टाइम्स क्या है बड़ा है, ठीक है, अबाउट 1 मिलियन अर्थ्स कुड फिट इनसाइड द सन, कम से कम भी 1 मिलियन अर्थ क्या कर सकती हैं सन के अंदर क्या हो सकती हैं फिट हो सकती हैं, देख लो अब कितना बड़ा होगा सन का साइज। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, ये जो सन का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, वाइल द कोर रिचेज मोर देन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कि लेकिन जो कोर है जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना रहता है अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस,